दोस्तों, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं फूड सेक्टर में बिजनेस करने के लिए तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी मशीन से कैसे ये बिजनेस स्टार्ट किया जाता है वो बताने वाला हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हो, ये वीडियो बेसिकली जो है दोस्तों स्प्रिंग पोटैटो डिश के बारे में है, जो नॉर्मली इंडिया में सिर्फ 1% लोग ही कर रहे हैं। तो अगर ऐसे में आप ये बिजनेस स्टार्ट करते हो तो बहुत आसानी से आप अच्छा खासा पैसा जो है आप कमा सकते हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जिस मशीन के बारे में बताने वाला हूँ वो स्प्रिंग पोटैटो डिश मशीन है। दोस्तों, इस मशीन को ख़रीदने का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अपने कमेंट सेक्शन में दे रखा है। आपको उस लिंक पर क्लिक करके इस मशीन को ख़रीदना है और उसके बाद में अपना बिजनेस स्टार्ट कर देना है। तो जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हो दोस्तों, ये बैनर है और इस प्रकार का बैनर आपको भी बनवाना होगा। इसके बाद में आप देख सकते हो, ये बंदा जो है एक पोटैटो हाथ में लिए हुए है और उस पोटैटो को छील रहा है। दोस्तों, पोटैटो को छीलने के बाद में आपको दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और वो पड़ेगी आपको बैम्बू स्टिक की। इसका भी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और अपने कमेंट सेक्शन में दे दिया है। आप बैम्बू स्टिक वहाँ से ख़रीद सकते हैं। दोस्तों, बैम्बू स्टिक को आपको पोटैटो छीलने के बाद में कुछ इस प्रकार से आपको इसमें लगाना है। जैसे ही आपका बैम्बू स्टिक इसमें लग जाता है, उसको आपको मशीन के अंदर बैम्बू स्टिक डाल देना है और पोटैटो को मशीन में फंसा देना है। अब आपको हैंडल की सहायता से इसे गोल गोल घुमाते जाना है और आपका जो पोटैटो है वो स्प्रिंग के रूप में कट हो जाता है और उसके बाद में इसे निकालना है। निकालने के बाद में इसको आपको धीरे धीरे टैप करना है। अब आप देख सकते हो, ये पोटैटो एकदम स्प्रिंग का रूप ले रहा है। इसी प्रकार से आपको इसे कट करना है और ये डिश आपको इंडिया में अपनी शॉप के अंदर फेमस करनी है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले और उसके बाद में आप इस बिजनेस से अधिक पैसा कमा पाओ। अब इसे कट करने के बाद में आपको इसमें कॉर्न फ्लोर का जो वाटर है वो इसमें डालना है और डालने के बाद में आपको बेसिकली फ्रायर में जो है आपको इसे डाल देना है। फ्रायर में आपको थोड़ा सा तेल डालना है, इसे गर्म करना है और इसे जो आपने पोटैटो स्प्रिंग पोटैटो तैयार किया, इसको 5 से 10 मिनट तक, जब तक ये ब्राउनिश कलर का नहीं हो जाता है, तब तक आपको इसे फ्राई करना है। जैसे ही आपका ये ब्राउनिश कलर का रेडी हो जाता है, इसे आपको बाहर निकाल लेना है और बाहर निकालने के बाद दोस्तों इसमें जो है आपको टिश्यू पेपर नीचे लगा देना है, ताकि ऑयल जो है वो आपके हाथ में ना लगे या आपके कस्टमर्स के हाथ में ना लगे। टिश्यू पेपर आपको लगाने के बाद में इसमें क्या करना है कि आपको बहुत से जो फ्लेवर आते हैं, जैसे इसमें नमक हुआ या चाट मसाला हुआ या जो है चिली पाउडर हुआ, ये सारी चीज़ें आपको इसमें अच्छे से डाल देना है, ताकि लोगों को खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगे। दूसरी चीज़ दोस्तों, इसमें आपको टोमेटो सॉस और इसके बाद में इसमें जो है और कोई अगर आप दूसरा फ्लेवर डालना चाहते हो तो वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब ये आपका स्प्रिंग पोटैटो डिश जो है एकदम रेडी हो चुका है खाने के लिए। तो इसे आप कस्टमर्स को दे करके और उसके बाद में आप अच्छा खासा पैसा जो है आप कमा सकते हैं। अब दोस्तों, इस बिजनेस में हम बात करते हैं कि इस बिजनेस से आप कितना पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि एक स्प्रिंग पोटैटो तैयार करने में आपका कितना लागत लगेगा और ये मार्केट में कितने में बिकेगा। तो दोस्तों, एक स्प्रिंग पोटैटो डिश तैयार करने में हम मान लेते हैं कि एक जो बैम्बू स्टिक है आपका वो 1 से 1.5 रुपये का हो जाएगा, 1.5 रुपये का मैक्सिमम मान लेते हैं। 2 रुपये का आपका स्प्रिंग पोटैटो जो आपने तैयार किया वो हो गया और इसमें आपका जो है लगभग 1.5 रुपये के आसपास आपका जो फ्लेवर है, आपका जो नमक है, वो सारी चीज़ें हम मान लेते हैं इसमें, तो आपका लगभग 5 रुपये में एक स्प्रिंग पोटैटो डिश बन करके रेडी हो जाता है और इसे जो है मार्केट में लगभग लगभग 60 से 70 रुपये में बेचा जाता है। लेकिन अगर इसे आप मात्र 25 रुपये में भी सेल करते हो, क्योंकि आप का बिजनेस जो है वो एकदम नया है और लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, तो अगर आप 25 रुपये का भी इसे सेल करते हो और एक दिन में आपने 100 स्प्रिंग पोटैटो आपने सेल कर दिए, तो इसमें जो आपका कीमत आएगा वो एक के पीछे 5 रुपये का आएगा, तो 20 रुपये आपको एक स्प्रिंग पोटैटो में मुनाफा मिल रहा है। तो ऐसे में अगर 100 पीस आपने बेच दिए एक दिन में, तो आपका 2000 रुपये कहीं नहीं जाता है। यानी आपको जो मशीन लेनी है वो सिर्फ आपको 629 रुपये यानी 650 रुपये के आसपास आपको मशीन मिल जाएगी, वो भी ऑनलाइन घर बैठे, आपको कहीं नहीं जाना है।
और उसके बाद में आप ये बिजनेस जो है आसानी से शुरू करके आप 60,000 रुपये महीने तक का आप कमा सकते हो। इससे अगर अधिक आप मेहनत करते हो तो इससे अधिक भी पैसा आप कमा सकते हो। दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर ये बिजनेस आप करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको ऐसी जगह पर अपना स्टॉल लगाना होगा जहाँ पर छांव की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो, ताकि जब लोग वहाँ पर आएँ तो उनको बैठने के लिए जो है सुविधा मिल सके। तो ऐसे में आपका जो प्रोडक्ट है वो दिन ब दिन जो है आपका फेमस होता जाएगा और उसके बाद में आपकी बिक्री जो है बढ़ती जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह की वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं दोस्तों आपको एक और वीडियो में एक और बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।